अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और वेदर हो रहा है हल्का हल्का सा चेंज, और उसी तरह मेरे दिल का मौसम भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट फूड बनाती हूँ आज। तो मैं बना रही हूँ मिल्की बंस। उसके लिए मैंने मैदा लिया, उसमें नमक और चीनी डाली है, और साथ में ये डाल रही हूँ मैं इंस्टेंट यीस्ट, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने नीम गरम दूध लिया, और उसके अंदर रूम टेम्परेचर पे एक अंडा मैंने डाल दिया, और इसे विस्क करके हम मैदा में डाल देंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उससे एक तो ये कि ये अंडा पक जाएगा जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड है इस वक्त, और दूसरी बात ये कि जो यीस्ट है वो किल हो जाएगा। सो नीम गर्म दूध होना चाहिए। दूध डालने के बाद हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी देखेंगे तो उसमें मैंने 3.5 कप मैदा टोटल लिखा हुआ है। आपने पहले 3 कप डालना है, और उसके बाद फिर आपने थोड़ी देर बाद जब देखना अगर आपको नीडिंग करते हुए ज़रूरत पेश आई तो आपने थोड़ा थोड़ा सा मैदा और डालते चले जाना। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इसकी मैंने ये मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। अब चूंकि मेरे पास ग्लव्स आ गए, मैं तो कोशिश तो बहुत थी कि ग्लव्स के साथ ही सारा काम करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। एनीवेज, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर बटर डाला है। मेल्ट नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बस। तो उसके बाद हम इसकी नीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसको काउंटर टॉप पे शिफ्ट कर लें और बस इसकी इस तरह से नीडिंग स्टार्ट कर लें। टोटल 7 से 8 मिनट आपने नॉन स्टॉप नीडिंग करनी है। एक तो आपके मसल्स बहुत अच्छे बनेंगे, और दूसरा ये कि बेसिकली लंप फ्री होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी डो बननी चाहिए। देखिए, मैंने सिर्फ 3 कप मैदा इसमें डाला था, और उसके बाद मुझे अब ये देखें लग रहा है कि ये बहुत स्टिकी है, तो मैं थोड़ा सा मैदा और डालूंगी। मेक श्योर 3.5 कप से ऊपर तो आपने जाना ही नहीं है, लेकिन कई दफ़ा मेजरमेंट सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो अगर आपने पैक करके मैदा डाला हुआ तो हो सकता है आपका 3 कप मैदा ही काफी हो। ठीक है, सो इसलिए ये देखें इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा और डालूंगी, मुझे नीड फील हो रही है। इस तरह की डो हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सी हमें चाहिए वर्केबल वाली डो, लेकिन इतनी हार्ड नहीं आपने कर देनी मैदा डाल डाल के बस वो आटे की तरह रोटियां बनाने वाली डो बन जाए। उससे क्या होगा कि फिर जो बंस हम बनाएंगे ना वो बहुत ही हार्ड से और टफ से बनेंगे। सो डो सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए, नीडिंग मैंने अच्छे से कर ली थी, और मैंने एक ले लिया है बोल, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छी तरह, और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी डो। इसको मैंने बॉल में शेप कर दिया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो है, जितना हम आटा गूंथते ना रोटी के लिए उससे ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है, और इसको हम कवर करके रख देंगे एक साइड पे जब तक कि ये डबल हो जाए। 30 से 40 मिनट्स में डबल हो जाती है। उतनी देर में मैंने ये एक ट्रे ले ली है, और 9x9 इंच ट्रे आप ले लें, और या बड़े साइज़ की भी ले लें, कोई बात नहीं। और उसके अंदर ऑयल लगा के ना तो आप पार्चमेंट पेपर लगा दें। अब ये देखें डो आ गई है डबल होके, इसको मैंने डिफ्लेट कर दिया है, जितनी एयर है वो मैंने निकाल दिया इसकी, और उसके बाद अब मैं इसको प्लेट में रख लूँगी। ये देखें कितना कितने अच्छी सी सॉफ्ट सी डो है, बहुत ही सॉफ्ट है, और बस इसके अब हम शेप कर लेंगे, बॉल्स बना लेंगे। 16 टोटल हमने बनाने हैं। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि इसको हाफ कर लें, और फिर इसको हाफ करते जाएं जब तक के 8 पीसेस एक साइड के बन जाएं, उसी तरह दूसरी साइड के भी 8 पीसेस बन जाएंगे। देखें, फिर मैंने इसे हाफ किया, और ये अब इसके एक पीस के मैं दो दो डो बॉल्स बना लूँगी। अच्छी तरह से हम इसको रोल कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको अरेंज करते जाएंगे। थोड़ा सा लूजली अरेंज करेंगे, जितनी ट्रे है उसमें बस ऐसे समझ लें कि आपने फैला के इनको डाल देना है। साइजेस आपने एक जैसे रखने हैं, कि मेरे जैसा कारनामा आपने नहीं करना। तो ये सारे जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, तिहामी ने भी मेरी हेल्प कराई है डो बॉल बनाने में, और बस इसको मैंने अब कवर करके रख दिया दोबारा जब तक कि ये साइज में फिर से डबल हो जाए। तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं, तो यानी दो दफ़ा हमने इनको राइज होने के लिए रखना है। और अब ये देखें इसके ऊपर हम डिज़ाइन बना रहे हैं। सिंपल ये मैदा मैंने थोड़ा सा लिया है, और फॉर्क रख के उसके ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। मैंने इसको स्ट्रेनर में डाला हुआ है, ये देखें, और बहुत प्यारा पैटर्न आता है। जिस वक्त ये बेक होंगे ना उस टाइम पे मैदा ऊपर से वाइट ही रहेगा, लेकिन कुक हो चुका होगा, और ये जो अंदर जो होंगे हमारे डिनर रोल्स ये ब्राउन हो गए होंगे। सो बहुत ही प्यारा जो है ना इसका लुक आएगा फाइनल। ये शहजाद बीच में अपनी मस्ती करने आ गए थे, और इन्होंने एक जो है ना इसका डिज़ाइन थोड़ा ख़राब करा दिया, बट इट्स ओके। वो चाह रहे थे क्रिस क्रॉस बन जाए, लेकिन नहीं बना।
अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 150 डिग्रीज पे। प्रीहीटिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये है कि प्रीहीटिंग करके अवन ऑफ हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि अवन ठंडा हो जाता है। हमें बेक जिस टेम्परेचर पे करना है उस टेम्परेचर पे अवन रेडी होना चाहिए। सो अगर स्टॉप भी हो जाए तो दोबारा आप उसको प्रीहीटिंग ऑन कर दें, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट प्रीहीटिंग ठीक होती है, अंदाजे से आप उस टाइम पर ऑन करें जब रेसिपी फिनिश हो रही है तो रेडी हो रही है, तो फिर आप उस वक्त इसको अवन में रख दें। तो इसको मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रखूंगी, आप इसको चेक करते रहें। मैं सिर्फ लोअर रॉड पे बेक करूंगी क्योंकि मेरा ओवन जो है ना अपर रॉड पे, तो वैसे नॉर्मली अपर लोअर दोनों रॉड्स पे करना चाहिए, लेकिन मेरा ओवन जो है ना ऊपर से बहुत जल्दी बेक कर देता है, सो मोस्टली मैं लोअर रॉड ही यूज करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और इनको तो आप गर्मा गर्म निकाल के उसी वक्त भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। गर्म गर्म तो बहुत ही मजे के लगते हैं, और जो यीस्ट की खुशबू होती है क्या कमाल की होती है, मजा आ जाता है। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना, ठंडक की तरफ जाना शुरू होता है और फीलिंग आती है कि अब जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडा मौसम होगा, उस टाइम पे यीस्ट की जो बेकिंग की खुशबू होती है घर में वो बहुत कंफर्ट देती है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़े के हैं। तो चलें जब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये लास्ट वाला क्लिप है, ये भी मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया, क्योंकि अब मैं रेसिपीज आपको सारी एक ही जगह स्टार्ट से फिनिश कंबाइन करके दिखा दिया करूँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो ये मैंने माइक्रोवेव में रखे हैं 3 बड़े बड़े से आलू, इनको मैंने फॉर्क से प्रिक कर लिया था, नहीं तो बर्स्ट होने का डर होता है कभी कभी। तो ये आराम से रेडी हो गए, कुक हो गए हैं, बॉईल करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, 7 मिनट में आलू तैयार हो गए। इसके बाद मैं इसे इस तरह से चम्मच से प्रेस करती हूँ और साथ साथ ही फ़ौरन से इसके छिलके भी उतर जाते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आलू बॉयल करना तो कोई मसला ही नहीं रह गया अब माइक्रोवेव की वजह से। सो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये बाय द वे हम बना रहे हैं मैश पोटैटोस, और सारे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। जिस टाइम पे मैंने डो प्रूफ करने के लिए रखी थी उस टाइम पे मैंने ये बना लिए थे मैश पोटैटोस, लेकिन आपको मैंने वो सारी रेसिपी एक साथ दिखा दी है। बहुत से लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह इजी हो जाएगा, तो मैं तो अपनी रूटीन शेयर करती थी, लेकिन आई थिंक लोगों के लिए हर हर स्टेप ढूंढना फिर वीडियो में से मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है कि एक ही जगह कंबाइन कर दिया जाए। आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये पोटैटोस जो है ना, ये मैंने सारे अच्छी तरह से पील कर लिए थे और इनको मैं बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ। वेदर जो है ना वो मेरे मूड को हमेशा डिफाइन करता है। जब ज्यादा गर्मियां होती हैं तो मैं देसी स्टाइल की कुकिंग करना पसंद करती हूँ, और अभी वेदर चेंज हो रहा है तो मुझे ये टाइप की जो कुकिंग है ना, कंफर्ट फूड, वो बनाने का बहुत मजा आ रहा है। तो एनीवेज मैंने इसमें डाला है जी दूध और नमक और काली मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने ये मेल्टेड बटर डाला है इसमें, और इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। आप कोई भी आप चाहें तो इसे देसी स्टाइल में बनाना है आपने मैश पोटैटोस को, तो आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूं कि मैश पोटैटोस को आप इसी तरह ट्राई जरूर करके देखें। दूध आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, आपने उसकी जो भी थिकनेस रखनी है मैश पोटैटोस की। तो इनको रेडी करने के बाद मैंने सोचा कि इनको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूं। इसके ऊपर आप चाहें तो आप पार्सली या फिर सिलेंट्रो वगैरह कुछ डाल सकते हैं, और या फिर आप थोड़ी सी वैसी डिजाइन के लिए पेपरिका पाउडर डाल लें। तो मैंने इसको कुछ भी और ऊपर नहीं डाला है, और ये मैंने सिंपल फॉर्क से छोटे छोटे से डिजाइन बना दिए हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी मेन डिश की तरफ, जो कि है हॉट बटर चिकन लेग्स, और आप चाहें तो किसी भी चिकन के पीस के साथ बना सकते हैं। मैंने लिया है ऑयल और इसमें डाला है नमक, और साथ में ये जारी है काली मिर्च का पाउडर, और ये है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पेपरिका पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है, और साथ में मैंने इसमें ये डाल दिया है गार्लिक पाउडर, दैट्स इट। ये चीज़ें हमने डालनी है और इनको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। ऑयल मुझे लगा था थोड़ा सा कम है तो मैंने ऑयल ज्यादा डाल दिया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली डाल के तो मिक्स कर लें। बस हमने ये थिक सी एक पेस्ट बनानी है, और फिर इसके अंदर हमने चिकन ड्रम स्टिक्स जो है वो डाल देनी है। मैंने तो उसके नॉन रखी है क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में, और अगर आपने इसको चूल्हे पे बनाना है तो फिर आपने स्किन रिमूव कर देनी है, क्योंकि चूल्हे पे जो है ना ये स्किन बिल्कुल ऐसे स्टिकी सी और बहुत फजूल सा टेक्स्चर हो जाता है। ये सिर्फ बेक करने में और एयर फ्राई करने में क्रंची सी अच्छी लगती है। तो इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया 1 घंटे के लिए। उतनी देर में मैं इसकी जनाब ये हॉट बटर सॉस बना रही हूँ। इसके लिए कोई भी हॉट सॉस आप ले लें, वो मैंने डाल दी है, और साथ में इसमें जारी है हनी, और ये हनी हम इसमें मिक्स कर देंगे,
और बस अब इसके अंदर हमने डालना है जी नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और चिली इसके अंदर पहले ही है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम मेल्टेड बटर डाल देंगे और ये हमारी जो सॉस है ये रेडी हो जाएगी। इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसमें कुक्ड है और ये काफ़ी थिन सी सॉस बनती है लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। जिस वक्त चिकन रेडी हो जाता है उसके बाद हम इसमें डिप करके खाते हैं, चिकन को बहुत मज़ा आता है। चलें जी अब आते हैं हम ड्रम स्टिक्स की तरफ। और आज मैंने सोचा कि अपने एयर फ्रायर को भी लिफ्ट करा ही दूँ, मुझे आई थिंक इसको ख़रीदे हुए 2 साल होने को आ रहे हैं लेकिन मैं इसे बहुत कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चिकन वगैरह मैं इसी में बनाया करूँ, थोड़ा इस बेचारे को भी मैं अटेंशन दे लूँ। तो इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है जी चिकन मैरिनेट हुआ हुआ, अरेंज कर दिया अच्छे से। और ये इस हमारी फैमिली के लिए थोड़ा कम था लेकिन मेरे पास ये एक ही पैकेट था तो मैंने बना लिया। अब इसको मैंने 200 डिग्रीज पे रखा है 20 मिनट्स के लिए और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो भी मोर और लेस यही टेम्परेचर तो सेम होता है, बेकिंग टाइम वेरी करता है, 20 के बजाय 30 मिनट्स हो जाएगा। जब आप ये देखें ऊपर से स्किन जो है थोड़ी सी कर्ल हो गई है तो आप इसमें ये जो सॉस हमने बनाई थी ये इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे और फिर दोबारा से इसे 7-8 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लें, और अगर बेकिंग है तो 10 से 15 मिनट टोटल लगेंगे मजीद। और ये देखें अच्छी सी ये रेडी हो गई है, तो फिर से हमने इसके ऊपर सॉस डाली है और ये गर्मा गर्म क्रंची स्किन होती है और बाकी चिकन अंदर से इतना सक्यूलेंट है, इतना सॉफ्ट है, एयर फ्रायर में तो बहुत मज़े का चिकन बनता है। मैंने एक बार ही पहले शायद चिकन विंग्स बनाए थे, उसके बाद कभी एयर फ्रायर यूज़ ही नहीं किया तो लेकिन आज जब मैंने बनाया तो मैं सोची हूँ कि मैं इसे ऑफन यूज़ करूँगी। कैसे थे हमी, मज़ा आ रहा है? तिहामी ने क्या करवाया कि चिकन डलवा लिया है, साथ में मैश पोटैटोस बन में डलवा लिया और तिहामी बर्गर खा रहा है और इतनी भूख लगी हुई है कि कुछ होश नहीं है इसको। मज़े का लग रहा है? हाउ इज द चिकन, यू वांट मोर चिली सॉस? ओके, hey duckies, please eat. Yeah. Shoo, go eat your bun. कैसे हैं? बेबी खुशबू इतनी मजे की आ रही है यार। इतनी मजे की खुशबू आ रही है में। और फ्रेशली बेक जो होता है ना, घर के अंदर इतनी मजे की स्मेल फैली हुई है यार, उफ, कोजी किस्म की और कंफर्टिंग किस्म की जो बेकरी की स्मेल नहीं होती वो वाली मजे की स्मेल आ रही है। लेकिन आज हमारे पास फूड की क्वांटिटी कम थी। मज़ेदार सॉफ्ट, ये देखिए कसम से इतना मज़े का सॉफ्ट कॉटन जैसा जो है ना ये बन है, उसके साथ आप ये खा रहे हैं, लिटरली इतना सॉफ्ट है कि बंदे को इसके कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वो पानी ना पियो ना स्टार्टिंग में, फिर ये जी हाँ देखा कितनी आराम से निकला है। नाइस एंड जूसी है, बहुत सक्यूलेंट है, वेरी नाइस, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और इतना लाइट और लिटरली फील हो रहा है इसे अपनी ओरिजिनल टेस्ट में नहीं होता वो, और ऊपर ऊपर से अंदर तक जो है ना स्किन के साथ जो है ना वो फ्लेवर का आ रहा है अंदर जो। हाँ जी एक्सीलेंट यार, मजा आ गया, ये अच्छी करा दिया, ये भी मजा आ गया, बहुत मजे का। और अभी बाकी ये गर्मा गर्म होता है ना तो उस वक्त तो बहुत मजा आ रहा है, फिर तो ज्यादा तभी भागी भी आई थी खाएं फिर ज्यादा होनी थी पता है, क्योंकि इतना थोड़ा होता है ना, जितना गर्म उतना ज्यादा खाया जाता है उल्टा। मजे से भी चिकन भी होता है ना। आप लोग खा रहे हो जी, मुझे आवाज तो नहीं आ रही और मुझे नजर भी नहीं आ रहा। गुड, और दो ये सॉस, बेबी चिली सॉस और डालो।
नहीं बेबी अभी नहीं, मुझे इसको जो आपने बनाया ना उसी फ्लेवर में खाने थे। नहीं ऊपर डलती है इसके साथ, इसकी बनी हुई है ये, इसी से इसको मैंने ग्लेज किया बेक करते हुए। मजा आ गया है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, हमने भी खूब इंजॉय किया। सिर्फ ये था कि चिकन बहुत थोड़ा था तो, लेकिन क्या है कि मैश पोटैटोज जो आपको पता है कि वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, स्टार्च है, तो वो खा के तो पेट अच्छे से भर गया था। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि कितना लाइट भी हम फील कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत भर भर के प्लेट डालें तो ही हम लोग फुल फील करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मैं यही करूँगी कि अक्सर मैश पोटैटोज भी साथ में बना लिया करूँगी जब मुझे पता हो कि रेसिपी जो है वो थोड़ी सी कम है। तो बहुत इंजॉय किया और बहुत ही कंफर्टिंग किस्म का डिनर था, और ये आई थिंक वीडियो में शहजाद ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है। तो बस उसके बाद बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था, कोजी सा डिनर था, और फिर उसके बाद बैठ के हमने चाय वगैरह पी और बिग बॉस देखा, और बस फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक करने चले गए। चेंज वेदर हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी हवा जो है वो अच्छी लगती है, स्पेशली अगर कार में बैठ के आप सी साइड पर ड्राइव कर रहे हैं तो ज़रा ठंडी सी हवा आने लग जाती है, जिसका बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ और भी शेयर क्योंकि वेदर के हिसाब से। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप को, अपनी और अपनी फैमिली की केयर करें। आजकल पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई बुरी बीमारी फैली रहती है, अल्लाह ताला आप सबको उससे बचाए रखें। आजकल ये डेंगू जो है ये आया हुआ है, तो जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सब फॉलो करें, और अल्लाह ताला आप सबकी बहुत हिफाजत करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।